वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स स्वाति हियर। आज मैं आपके साथ एक फेस पैक शेयर करूंगी और वो होगा पिंपल प्रोन स्किन के लिए। ये बहुत इजी होगा, सिर्फ वन इंग्रेडिएंट लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने यू नो फेस पैक बना। पैक मैं बनाना सिखाऊं आपको, उससे पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी कि जो ये पिंपल्स आते हैं वो एक एज होती है, टीनएजर्स की एज होती है, वो तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, उसका आप यू नो कुछ कर नहीं सकते हो, एक टाइम के बाद यू नो बंद हो जाते हैं। लेकिन आप अपने फेस के ऊपर फेस पैक जरूर लगा सकते हो। लेकिन एक एज आती है जब आप बड़े हो जाते हो लेकिन फिर भी आपको यू नो पिंपल्स आते हो, तो डियर आप जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। पहली चीज ये कि आप अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख रहे, आप अपना यू नो क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग आप नहीं कर रहे। क्लेंजिंग होता है आपने रात को अपने मुंह हाथ धो के सोना, अच्छी तरह से आपने यू नो फेस अपना क्लीन करके सोना। टोनर के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी टी ट्री ऑयल वाला आप टोनर यूज करो, आपके पास टी ट्री ऑयल होना ही होना चाहिए। मैं पर्सनली यूज करती हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। मैंने इसका एक फेशियल मिस्ट बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें मैंने ग्रीन टी डाली थी जो एंटी ऑक्सीडेंट्स होती है एंड आपकी स्किन से टॉक्सिन्स बाहर निकालेगी। टी ट्री ऑयल डाला था जो आपके पिंपल्स को खत्म करेगा। लेमन एसेंशियल ऑयल डाला था जो आपका रंग गोरा करेगा, जो पिंपल्स खत्म होने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो उसको हटाएगा। कहते हो मुझे स्कार्स हटाने के लिए कुछ दो, तो डियर आप लेमन एसेंशियल ऑयल जरूर यूज करो, आप टी ट्री ऑयल जरूर यूज करो, आप ये दोनों यूज करो, आपका बिल्कुल अच्छी तरह से यू नो आपकी स्किन धीरे धीरे क्लीन होनी शुरू हो जाएगी। एंड में आपने मॉइस्चराइजेशन करनी है तो आप मॉइस्चराइजर जो भी आपको सूट करता है आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज करो। ये हो गया क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीन चीजें होगी आपकी ऊपर से क्लीनिंग की। अब डियर अंदर का क्या करें? अब अंदर का ये है कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता, मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, सिंपल वर्ड में अगर यार मैं आपको बोलूं, अगर आपको पॉटी नहीं आती अच्छी तरह से, जो टाइम होता है सुबह आने का या वट एवर जो भी यू नो, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तो भी आपको पिंपल्स होते हैं। अब आपको पेट साफ करने के लिए अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हम ऊपर से जितनी मर्जी सफाई कर लें यार, अगर इंटरनली अगर हम गंदगी है अंदर तो आपके यू नो फेस पे पिंपल्स आएंगे ही आएंगे। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो डियर आप ध्यान रखो, आपके पिंपल्स आने का रीजन आपकी कॉन्स्टिपेशन ही है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, आप बहुत ज्यादा यू नो पानी पियो, आप बहुत ज्यादा जितना आप यू नो दिन में आप बस पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहो, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा यू नो फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स जूसेस मत पियो उसके निकाल के। फ्रूट्स आप खाओगे तो रफेज होगा आपके अंदर जाएगा, तो रफेज से आपको यू नो आपकी अच्छी तरह से ना आपकी पॉटी वगैरह हो जाएगी आपको। थर्ड थिंग आप क्या कर सकते हो, डिटॉक्स वाटर पियो। डिटॉक्स होता है जिसमें यू नो ऐसी चीजें हम डालते हैं जिसकी वजह से हमारे टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं, रिलीज हो जाते हैं। डिटॉक्स वाटर अगर आप पीते हो, मैंने अभी तक उसकी ना रेसिपी शेयर नहीं की है, एंड वो यू नो अगर आप उसको डेली पियोगे, आपने एक रात पहले बनाना होता है, या सिंपल सी चीजें होती हैं एंड उसको आपने नेक्स्ट डे आपने सारा दिन उसको यू नो फिनिश करना होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डाल के, इसकी रेसिपी जरूर मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। डिटॉक्स वाटर पीने से आपके ना जितने टॉक्सिन्स हैं बॉडी के वो बाहर निकलते हैं, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो आपको अगर सिंपल वाटर नहीं पीना होता तो आप यू नो डिटॉक्स वाटर अपना सारा दिन पी सकते हो, तो उसकी रेसिपी मैं जरूर शेयर करूंगी। बट फिलहाल के लिए आप ये देखो ये फेस पैक कितना इजी है बनाना। एंड एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप ध्यान से सुनो, आपने इस फेस पैक को रोज लगाना है। जिनकी पिंपल स्किन है, पिंपल प्रोन स्किन है, आपने इसको रोज लगाना है। एंड मैं आपको बता दूं, अपने किसी भी टाइम पे लगाओ, जो आपको सूट करता है सुबह लगाओ, दोपहर को लगाओ, रात को लगाओ, शाम को लगाओ, अपने जब भी मर्जी लगाओ, लेकिन आपने लगाना इसको रोज है। फेस पैक बनाने के लिए आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए और वो है पुदीना, एंड आपने इसको अच्छी तरह से धो लेना है एंड उसके बाद आपने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और एक पेस्ट बना के आपने इसको अपने फेस के ऊपर लगाना है। अब आप देख सकते हो मैंने पुदीने को पीस लिया एंड अब इसको मैं अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी। आपने इसको रोज लगाना है एंड कोई बात नहीं अगर आपका गिर रहा है तो, पर जितना भी इसका जूस है वो तो आपके पिंपल्स के ऊपर लग जाएगा। एंड आप कोशिश करो कि आप इसका यू नो जो भी है आप इसको अपने फेस के ऊपर रखने की कोशिश करो, जहां पे आपके पिंपल्स है वहां पे यू नो थोड़ा थोड़ा आपका यू नो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो जितने भी आपके यू नो पिंपल्स है उनकी वजह से अगर आपको पेन हो रही है, थोड़ी सी अगर आपको जलन हो रही है, तो वो उससे खत्म कर देगा और इसमें सारे यू नो आपके पिंपल्स मर भी जाएंगे, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो आप इस फेस पैक को 15 मिनट्स के लिए या 15 to 20 मिनट्स के लिए आप इसको अच्छी तरह से ड्राई होने दो, उसके बाद आपने इसको पानी के साथ स्क्रब करके थोड़ा सा धो देना है। मैंने 15 टू 20 मिनट्स इसको अपने फेस के ऊपर रख लिया एंड अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। अब आप देख लो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया एंड मैं इसको जस्ट पैड ड्राई करूंगी।
जिनकी पिंपल्स होते हैं, प्लीज आप एक चीज ध्यान रखो, आपने अपने टॉवल को किसी के साथ शेयर नहीं करना, एंड प्लीज आप अपने फेस टॉवल को अलग रखो, अपने बॉडी टॉवल और अपने फेस टॉवल को अलग रखो, और उसको हर एक दो दिन के बाद आप यू नो वॉश करते रहो और चेंज करते रहो। एंड आप देख सकते हो इससे आपके यू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दाग धब्बे जितने हैं सारे खत्म हो जाएंगे, पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो उनके दाग रह जाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आप इसको जरूर ट्राई करना। अब आपने देख लिया कि ये फेस पैक बनाना कितना इजी था। मैंने सिर्फ मिंट लीव्स लिए थे, सिर्फ पुदीने के पत्ते लिए थे, एंड पुदीना आपको पता है इसमें यू नो ठंडक देगा आपको, यू नो गर्मियों में जो जिनके पिंपल्स होते हैं ना उनको पता होता है वहाँ पे यू नो कई बार दर्द होती है, जलन होती है, यू नो इचीनेस सी होती है, तो वो आपको यू नो एक तो सूथिंग इफेक्ट देगा, काम करेगा, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ये आपके ना पिंपल्स को ठीक भी करेगा। आप डेली लगाओगे तो धीरे धीरे ना आपके पिंपल्स खत्म हो जाएगा और पिंपल्स स्कार्स भी खत्म हो जाएंगे। सो दिस वॉज माई वीडियो, एंड छोटे मोटे आपको मैंने टिप्स भी बता दिए कि कैसे आप अपनी स्किन को क्लीन रख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो आप इसको प्लीज बना के लगाना जरूर, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। टिल देन बाय।